कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते ही इंदौर में फिर विभिन्न संगठनों प्रशासनिक लोगों ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। इसी क्रम में शहर के अन्नपूर्णा क्षेत्र स्थित चाणक्यपुरी चौराहे पर मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा बुधवार के दिन मास्क वितरित किए गए। इस दौरान लाउड स्पीकर लगाकर चौराहे पर मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के प्रमुख सलीम शेख ने बताया कि इंदौर शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। ऐसे में उनके द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जहां मास्क वितरण के साथ ही जो लोग यातायात के नियम का पालन करते हुए हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे हैं उनका सम्मान करते हुए प्रतीक स्वरूप उन्हें पेन भी दिया गया। सलीम शेख ने शहरवासियों से अपील की है कि मास्क पहनकर ही घर से निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ से बचें, बिना वजह घर से बाहर ना घूमें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। वहीं यातायात DSP हरिवंश कन्होवा ने भी चौराहे पर मानव अधिकार संगठन के साथ मास्क वितरित किए और लोगों को यातायात नियमों के पालन करने की समझाइश भी दी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। किस तरह से ये समझाइश दी जा रही है और क्या अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर? वर्तमान में इंदौर शहर के चाणक्यपुरी चौराहे पर मानव अधिकार का जो जिला संगठन की इकाई है, इनके जो समाज सेवी लोग हैं, इनके सहयोग से इस चौराहे पर जो रोको टोको जो सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है मास्क का, उसी कड़ी में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग बिना मास्क के आ रहे हैं या मास्क अधूरा लगा रहे हैं, उनके लिए मास्क वितरित किए जा रहे हैं। जो लोग अधूरे का मतलब रहता है, लोग मुंह पर रख लेते हैं और नाक पर निकाल देते हैं, उनको भी समझाइश दी जा रही है कि आपको प्रॉपर लगाना है, ये आपकी स्वयं की, परिवार की, समाज की सभी सुरक्षा का दायित्व है। इसी के तहत में जो लोग दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगा के आ रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको कलम दे करके प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संगठन की ये बहुत अच्छी पहल है। मानव अधिकार संगठन की जो जिला इकाई है, इनके साथ में मैं DSP ट्रैफिक हरिवंश कन्होवा के प्रोत्साहन के लिए, इनके सहयोग के लिए साथ में कार्य कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आमजन से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में जो लोग बिना मास्क के चल रहे हैं, मास्क लगाएं, ये उनकी स्वयं की, परिवार की, समाज की, देश की हित में है। इसी प्रकार दो पहिया वाहन पर जो लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगाएं। आपको हरिवंश कन्होवा, DSP ट्रैफिक। किस तरह का अभियान है और कौन सी जगह चल रहा है अभियान, किसके द्वारा? आज चाणकपुर चौराहे पे हमने जो अन्नपूर्णा मेन रोड है, अन्नपूर्णा मेन पर जो चाणकपुर चौराहा है, ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे अच्छा ट्रैफिक आवाजाही होती है और ये 25 जगह बेंच रहा है। आज हमने मतलब सकाल हुआ जो 11 बजे सायरन बजाकर रोको टोको अभियान चलाया है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने मानव अधिकार संगठन और मानव अधिकार एंड अपराध नियंत्रण संगठन द्वारा और हमारी जो टीम है द्वारा आज ये मास्क वितरण का प्रोग्राम रखा गया है और कोरोना के लिए जन जागरण का अभियान रखा गया। जो लोग मास्क आगे नहीं मास्क ही लगाए, उनको मास्क वितरण कर रहे हैं और जिन लोगों ने मास्क ठीक नहीं लगाया है, उनको प्रेरित किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है। और जो दो टू व्हीलर पे बाइक पे और जो लोग हेलमेट लगा के जा रहे हैं, उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो लोगों ने हेलमेट लगाया है, उनको भी हम एक प्रतीक स्वरूप एक पेन दे रहे हैं गिफ्ट में, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, हेलमेट लगाएं, यातायात के नियम का पालन करें। और कोरोना की जो दूसरी लहर जो आ चुकी है, इसके लिए हमने लोगों को जागरूक करें फिर से कि जहाँ जरूरी हो तो घर से निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, भीड़ से ज़्यादा बचें, वो जहाँ जरूरी हो वही घर से निकलिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। पुलिस अधिकारी भी साथ में थे आपके यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, पुलिस अधिकारी भी आता है, यातायात डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग रहा हमारा, हमारे मानव अधिकार संगठन से केशव शर्मा जी है, दीपक जोशी जी है, अजय मुंद्रा जी है और पश्चिम क्षेत्र के जो ट्रैफिक के जो DSP साहब है कन्होवा साहब, उसमें उन्होंने आगे हमको प्रोत्साहित किया है और उन्होंने भागीदारी करी है और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का सहयोग किया पूरा। आपका परिचय? मैं सलीम शेख, मानव अधिकार अपराध नियंत्रण संगठन से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।